नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री डी एम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह थ्री डी फ्रंट इलेशन है जो हमने बनाया था, जिसका प्लॉट का साइज़ आप 33 फीट है। अगर आपका प्लॉट का फ्रंट जो 33 फीट है तो इस टाइप में आप यह डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए शॉर्ट में यह प्लान समझ लीजिए, 33 फीट बाय 46 फीट का यह पूरा प्लॉट का एरिया है। यहाँ पे रोड है इस साइड में, रोड से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमें पार्किंग का एरिया मिलता है। तो स्टेयर केस जो है स्टेयर केस के नीचे भी पार्क कर सकते हैं, लेकिन अब तो जो आपने अभी थ्री डी फ्रंट एलिवेशन देखा था उसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने वॉल ली है। तो इसका एक दूसरा ऑप्शन भी हमने बनाया था, यहाँ पे वॉल नहीं ली थी तो पार्किंग जो है हमारी यहाँ तक हो सकती थी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको एलिवेशन दिखाने वाला हूँ। इसमें देखेंगे तो देखिए पार्किंग का एरिया यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद में इस वरांडे पर चढ़ रहा है। इस वरांडे पर चढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे एक डोर बताया गया है और यहाँ पे एक डोर बताया गया है। तो यह जो डोर है यह स्टेयरकेस के लिए जाता है, फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए। इस पोर्च पर जाने के लिए यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होती है और यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, मतलब इस पोर्च पर पहुँच जाते हैं। तो यह जो है यह थ्री डी फ्रंट एलिवेशन में हमने एक एलिवेशन में यह ऑप्शन बताया है, और दूसरी एलिवेशन में हमने यह जो वॉल है यह कैंसिल करके डायरेक्टली यहाँ से स्टेयर बताई है और इसके नीचे तक हम कार पार्क कर सकते हैं। बाद में लिविंग रूम में एंट्री करेंगे, 12 फीट बाय 16 फीट 9 इंच का इस लिविंग रूम का साइज़ है। हमने यह प्लान नहीं बनाया था, क्लाइंट का प्लान था, हमारे पास थ्री डी प्रिंट एलिवेशन के लिए आया था। 3 फीट इस साइड से वो ऑफसेट छोड़ा है, जगह छोड़ी है, यहाँ पे भी लगभग 8 फीट की जगह छोड़ी है। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए हम यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम के एरिया में आ रहे हैं। यहाँ पे किचन है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम में देखिए 7 फीट बाय 4 फीट का बाथरूम है, 4 फीट बाय 3 फीट का टॉयलेट है। यहाँ पे किचन है 12 फीट बाय 12 फीट का। किचन को देखेंगे पीछे साइड में वॉश एरिया दिया है, यहाँ से स्टेयरकेस के लैंडिंग के नीचे से यह बाहर भी निकल सकते हैं। लास्ट में देखेंगे तो 2 बेडरूम दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम दिया गया है 10 फीट बाय 12 फीट का, मतलब 10 फीट बाय 12 फीट का, और एक विंडो यहाँ पे दिया है और यहाँ पे एक छोटा सा विंडो दिया है। लास्ट में देखेंगे तो 13 फीट बाय 12 फीट का यह बेडरूम दिया गया है, यह मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। इसकी साइड में 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है, तो यहाँ पे एक विंडो दिया गया है और इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है 4 फीट बाय 8 फीट का। पीछे की साइड में भी देखेंगे तो 1 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है, और ये जो यहाँ पे भी एक फीट का ऑफसेट छोड़ा है, यहाँ पे भी 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा है, यहाँ पे भी लगभग 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा है, यहाँ पे भी लगभग 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट छोड़ा है। तो इस टाइप में 33 फीट बाय 46 का जो पूरा प्लॉट का एरिया था इसमें देखेंगे तो इस टाइप में यह प्लान बनाया था। तो इसका थ्री डी फ्रंट एलिवेशन देखिए, ये जो है इस टाइप में इसका थ्री डी फ्रंट एलिवेशन हमने बनाया था। वॉल कंपाउंड पे भी काफ़ी बढ़िया सिंपल सा डिज़ाइन दिया था। स्टेयर केस का जो टावर है वहाँ पे भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया एक सिंपल सा डिज़ाइन हमने दिया है। वॉल कंपाउंड पे देखेंगे तो इस टाइप में हमने डिज़ाइन दिया है। यह जो है हमारा मेन डोर है लिविंग रूम का, और यह जो डोर है स्टेयर केस की तरफ जाने के लिए। और स्टेयर केस का जो टावर है यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया एक सिंपल सा लुक दिया है, यहाँ पे भी एक डिज़ाइन हमने दिया है। पोर्च पे देखेंगे तो देखिए काफ़ी बढ़िया एक डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे देखेंगे तो विंडो पे भी काफ़ी बढ़िया सिंपल सा हमने डिज़ाइन बनाया है। तो ये भी एक कलर ऑप्शन है उसका, और ये भी एक कलर ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस एलिवेशन में आप देख रहे हैं, देखिए स्टेयरकेस का जो वॉल है यहाँ पे हमने यह पूरा पैक किया है, मतलब कार जो है हमारी इस लैंडिंग के नीचे नहीं जाती है। तो दूसरा जो फ्रंट एलिवेशन हमने बनाया था जिसमें कार जो है हमारी पार्क इस लैंडिंग के नीचे तक होती है, तो वो भी एलिवेशन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है कार जो है हमारी स्टेयरकेस के नीचे तक जा रही है, और स्टेयरकेस जो है यहाँ पे हमने ओपन एरिया बताया है। तो पहले जो एलिवेशन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा पैक एलिवेशन बताया था। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे आप क्लियर नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमने ये जो एलिवेशन का एरिया था यहाँ पे हमने पैक कर दिया था। स्टेयरकेस का जो पोर्शन है यहाँ पे वॉल वॉल खड़ी की थी। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें देखेंगे तो देखिए हमने ये वॉल ओपन कर दी है, और इसके भी ये कलर ऑप्शन है, ये भी काफ़ी बढ़िया एक सिंपल सा कलर ऑप्शन है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कलर ऑप्शन है। ये भी एक कलर ऑप्शन है, और ये भी एक कलर ऑप्शन है। तो इस टाइप में सिंपल सा यह डिज़ाइन हमने बनाने की कोशिश की थी। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है और समझ में आया है। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं।
और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लांट्स और डिज़ाइन हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। हम तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं वह आप तक पहुँच सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपको कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।